तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बार फिर से सबका स्वागत करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे आप सभी को कि पैरामेडिकल कोर्स क्या है और इससे जुड़े सारे जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए वीडियो होने वाला बहुत ही खास, इस वीडियो को पूरा आप लोग देखते रहे। और जो भी कैंडिडेट अभी के टाइम में मेडिकल सेक्टर में ये जो कोर्स है पैरामेडिकल कोर्स, इसको आप करना चाहते हैं तो आगे करके आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में इंक्वायरी है, हो सकते हैं आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे भी देखेंगे कि पैरामेडिकल कोर्स क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आप लोग सर्च किए होंगे, आपको कई कई आंसर क्वेश्चन का जो है आंसर वो मिल चुका होगा, कई कई जो भी और भी डाउट है। तो एक ही वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर देंगे, 100% आपका आप लोगों को ये क्लियर हो ही जाएगा, मेरे ख्याल यही है आप लोगों के। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में पूरा जानकारी लेना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, तो पूरा इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाएगा 100%। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबका मन में एक ही सवाल होता है कि पैरामेडिकल जो कोर्स होता है वो एक्चुअली क्या है। देखिए, अगर सिंपल भाषा में बोले आपको तो जो पैरामेडिकल कोर्स होता है दोस्तों, वो मेडिकल सेक्टर में पैरामेडिकल एक डिप्लोमा कोर्स होता है, यानी कि पैरामेडिकल जो है डिप्लोमा कोर्स होता है। कौन सा कैंडिडेट जो इसको कर सकते हैं, इसके लिए पहले तो बात कर लेते हैं कि पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी यानी कि आपका HS पास होना चाहिए। हाँ, HS पास होने पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन सा स्ट्रीम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, खाली साइंस वाले जिसमें आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और साथ ही साथ अगर बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट आपके पास है साइंस में, तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। तो ये पहला आपका सवाल। तो दूसरा सवाल है, ये जो आप लोग क्वालिफाई करेंगे इसके लिए आपको जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, जो एडमिशन होंगे उसके लिए तो कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, हर एक जो भी कोर्स होता है जितना भी कोर्स होता है, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर एक एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है, उसको क्लियर करना पड़ता है, तब जाके जो आपको दाखिला यानी कि एडमिशन आपको मिल सकता है पैरामेडिकल कोर्स के लिए। और ये जो कोर्स है दोस्तों, ये 2 साल का है यानी कि डिप्लोमा कोर्स है। तो आप HS के बाद अगर आपके पास साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ साथ बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट है तो इसमें आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। 100 मार्क्स का आपको एग्जाम देना होता है जो कि MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का एग्जाम होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है ओमेडशीट में, जिसमें जो आपका राइट आंसर है उसका आपको टिक करना होता है यानी कि आपको भरना होता है। तो ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50 मार्क्स रहता है और बायोलॉजी में जो है 50 मार्क्स रहता है, इसे मिला के आपका मार्क्स जो हो जाता है 100 मार्क्स, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपका 100 रहेगा, जिसके लिए 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है, कोई भी नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे जो नहीं होता। मैं ये जो बोल रहा हूँ आप सभी को पैरामेडिकल के बारे में, वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट जो पैरामेडिकल कोर्स हर साल जो कि एग्जाम लेता है पैरामेडिकल के एडमिशन के लिए पैरामेडिकल में, उसमें बोल रहा हूँ। तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, हर स्टेट में थोड़ा बहुत अलग अलग जो है रूल्स है, किसी किसी स्टेट में ऐसा भी होते हैं जो पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आपको जो कोई भी एग्जाम नहीं देना होता है, आपको डायरेक्ट जो है मार्क्स से HS का मार्क्स के आधार पर भी कट ऑफ आता है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो आप लोगों को देख लेना आप लोग कौन सा स्टेट से, वहाँ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप लोग जो फॉलो कर सकते हैं। और मेनली ये जो है मई जून या जुलाई के अंदर जो इसका फॉर्म हर साल निकल जाता है वेस्ट बंगाल में, और बहुत सारे स्टेट में भी 1-2 महीने आगे पीछे जो कि सेम तरीके से फॉर्म जो निकलता है पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए। और जो एप्लीकेशन फी वो है 500 रुपीज आपको एप्लीकेशन फी देना होता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कितना साल का ये जो कोर्स है ये कितना साल का है। तो देख लीजिए दोस्तों, जो मेडिकल पैरामेडिकल जो कोर्स होता है ये एक्चुअली डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का होता है। तो 2 साल का आपका कोर्स होता है, साथ ही साथ 6 महीना इसके साथ आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है। तो जो भी कैंडिडेट 2 साल का कोर्स में एडमिशन होंगे डिप्लोमा कोर्स में पैरामेडिकल में, उसको 6 महीने का लास्ट फाइनल एग्जाम देने के बाद आपको इंटर्नशिप होता है। तो इंटर्नशिप आपको फ्री में नहीं कराया जाता, इसके लिए आपको स्टाइपेंड मिलता है जो कि बहुत ही कम है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत खर्चा जो कि आ ही जाएगा इसमें से, 2000 के करीब आपको जो वेस्ट बंगाल में स्टाइपेंड देखने को मिल जाएगा। और अलग अलग दूसरे स्टेट से है तो आपके अलग अलग स्टेट पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो पैरामेडिकल कोर्स में आपको कोर्स फी कितना लगता है। तो कोर्स फी जो है दोस्तों, ये पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आपको 15,000 कोर्स फी देना होता है 1 साल के लिए, यानी कि 2 साल का टोटल कोर्स में आपका खर्चा आएगा 30,000, साथ ही साथ आपका जो हॉस्टल फी, आपका बुक्स और एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो अलग से आपको जो है पेमेंट करना होता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो बहुत सारा चार्जेस देना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में कितने गवर्नमेंट जो है कॉलेज है जहाँ से आप
अच्छे से पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। तो देखिए लीजिए दोस्तों, कोई भी कुल में जो 13 से 14 जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जिनमें से SSK में है, NRS है, कोलकाता मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, फिर आपको मुर्शिदाबाद में भी है और बहुत सारा और भी जो है गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है या हॉस्पिटल है, उसमें जो है आपको पैरामेडिकल कोर्सेस का चांस मिल सकता है, उसमें आप कर सकते हैं, जो कि साल का 15,000 रुपया देके आप लोग एडमिशन हो सकते हैं। अगर आपका कटऑफ अच्छा था या आपका जो रैंक अच्छा था, तो आप ये जो 13 या 14 जो गवर्नमेंट कॉलेज है अप्रोक्स, तो अभी आप लोगों का जो है एडमिशन हो सकता है। वो आपको वेरी करता है आपका कितना रैंक आया है, और साथ ही साथ आपका अच्छा से जब चॉइस फिलिंग करके वो भी वेरी करता है आपको। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपका जो MCQ टाइप का क्वेश्चन होता है 100 मार्क्स का तो होता ही है, साथ में यहाँ पे जो हर साल का जो काटा होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से आपको जो है दोस्तों एग्जाम दे देना है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन होता है तो कितना कॉलेज है, तो ओवरऑल वही बंगल में 68 टोटल जो है पैरामेडिकल कोर्स के लिए इंस्टीट्यूट और जो है मेडिकल कॉलेजेस है, जिनमें से 14 तो है आपका गवर्नमेंट का, और बाकी जो बचता है वो जो है प्राइवेट में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और जो ऑफिसर वही साइड है वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिसका लिंक मैं वीडियो करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और फिर जाके आप जो इंस्टीट्यूट का जो लिस्ट है वो आप लोग देख सकते हैं, और उसका सारा कुछ डिटेल्स एड्रेस और फोन नंबर भी आप लोग वहाँ पे वही साइड में जाके जो है देख सकते हैं। अभी एक सवाल होगा कि पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए जो एग्जाम आपको देना पड़ता है उसका सेंटर कहाँ है, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल लगभग 8 या 10 ऐसा कुछ अप्रोक्सली, कुछ कम ज्यादा होगा 1-2 इतना सेंटर है, जहाँ मेन है आपका कलकत्ता है, सिलीगुड़ी है, बांकुड़ा है, मालदा है, और भी बहुत सारा जो सेंटर आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा जो एंट्रेंस टेस्ट है वो देने के लिए। तो 3 घंटा का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो है कोई नेगेटिव मार्क्स आपको नहीं है, इसलिए अच्छे से अगर एग्जाम देते हैं क्लियर करते हैं, आपका रैंक अगर अच्छा आता है तो आपको जो है चांसेस बहुत अच्छा से चांस आपको मिल सकता है जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में या हॉस्पिटल में आपको जो है चांस मिल सकता है पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए। आगे इसको करने के बाद और भी हायर स्टडी कर सकते हैं, बैचलर्स कर सकते हैं, फिर मास्टर्स भी कर सकते हैं पैरामेडिकल मेडिकल कोर्स में। तो पहले तो जो शुरुआत है वो पैरामेडिकल का कोर्स का वो डिप्लोमा से शुरू होता है। बात कर लेते इसमें टोटल कितना कोर्स होता है, तो देखिए दोस्तों इसमें जो 2 साल का कोर्स है इसमें टोटल 13 या 14 ऐसा कुछ आपका कोर्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आपका जो है आप क्रिटिकल केयर यूनिट जो टेक्नोलॉजी है वो कर सकते हैं, आप ECG का जो होता है वो कर सकते हैं, या फिर आप डायबिटीज केयर टेक्नोलॉजी है उसमें कर सकते हैं, या और इसमें से बहुत सारा और भी टेक्नोलॉजी है जो कि डायलिसिस में भी है और भी बहुत सारा है, तो आप इनमें से कोई भी आपको जो बेस्ट लगता है उसको आप चूज कर सकते हैं। जब आप फील्ड चेंज करेंगे तब वो टेज आप चूज कर सकते हैं, उसमें से आप लोग कर सकते हैं, जो बहुत ही अभी का टाइम में बहुत ही जो डिमांडेबल कोर्स है वो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं, जो कि टोटल 13 कोर्स है। तो 2 साल का कोर्स है, 6 महीने आपको एक्स्ट्रा जो है इंटर्नशिप करना आता है, टोटल आपको 2.5 साल यहाँ पे जो है लग जाएगा पैरामेडिकल कोर्स खत्म करने के लिए। और साथ ही साथ इसका जो एज लिमिट है मिनिमम आपका जो जिस साल आप लोग अप्लाई करेंगे 1 सितंबर है के हिसाब से आपका मिनिमम 17 साल होना चाहिए, मैक्सिमम इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी कि जितना भी एज हो आप लोग जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और पैरामेडिकल जो कोर्स है वो आप लोग जो है कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कोर्स करने के बाद आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, आपका जॉब क्या है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सैलरी कितना मिल सकता है, तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो पहले तो बात कर लेते हैं अपने सैलरी के बारे में, तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाता है कम से कम आपका महीने का 35,000 रुपया आपको जो सैलरी वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा, और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो कई कई स्टेट है जहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स में अच्छा खासा सैलरी और भी 40,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो और भी ज्यादा सैलरी आपको मिल जाएगा। और यही बात अगर करते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम के प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसमें अगर आप जॉब करते हैं आप लोग, तो उसके बाद वहाँ पे भी आपको पहले तो एज ए फ्रेशर के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत जो है मिल जाएगा सैलरी 10 से 15 हजार के आसपास में। अगर आप दूसरे स्टेट में करते हैं, जैसे आप दूसरे स्टेट जैसे हो गया आपका दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, तो ऐसे कोई स्टेट में करते हैं तो आपको और भी ज्यादा सैलरी 20 से 25 से ऊपर आपको एज ए फ्रेशर के हिसाब से पहले मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर आप लोग और भी एक्सपीरियंस हो जाते हैं 3 साल 5 साल का, तो ज्यादा से ज्यादा आपको सैलरी मिल जाएगा। तो आप लोग जो कोर्स है दोस्तों ये खत्म करने के बाद आपको कहीं ना कहीं जो जॉब का जो एश्योर रहता है, गारंटी रहता है, उसके साथ आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन ले सकते हैं पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद, तो इसमें जो बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटी होता है आप लोग जो है आराम से इसको ले सकते हैं। तो पैरामेडिकल का कोर्स करने के बाद आप लोगों का कोई भी टेंशन करने का बात नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा
जो कि मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे जॉब का वैकेंसी रहता है हर साल पैरामेडिकल का, तो इसमें आपका जो है जॉब कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। ऑल इंडिया में सिर्फ भी बहुत सारा जो मेडिकल कॉलेज है बहुत बड़ा वाला, उसमें भी आप लोग जो दाखिला ले सकते हैं, और आगे चलकर आप चाहे तो हायर एजुकेशन भी इसके ऊपर ले सकते हैं। तो पैरामेडिकल कोर्स से जुड़े तो छोटा मोटा जो भी इंफॉर्मेशन था दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर फिर भी आप लोगों को और भी कोई इंक्वायरी है, कुछ जानना चाहते हैं आप लोग, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। मैं सबका कमेंट का जो है दोस्तों यहाँ से रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ, और सबका रिप्लाई मैं कर भी देता हूँ। अगर मुझे टाइम थोड़ा नहीं मिलता तो बाद में जाके मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ और उसका जो मैं यहाँ से रिप्लाई कर देता हूँ। और आप लोगों के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है मुझे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर मेल आईडी में भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, और नया दोस्त जो है चैनल को देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कीजिए, या फिर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और ऐसे कोर्स रिलेटेड अपडेट आपको डेली बेसिस मिल जाएगा। और हफ्ते में अभी से दो या तीन या उससे भी ज्यादा जो फेस कैम वीडियो है आप लोगों के लिए वो मिल सकता है। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये वीडियो ये भी खत्म करते हैं दोस्तों, आगे लेकर जानकारी पाने के लिए चैनल के साथ बने रहे और देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।